अब बताओ क्लास है जल्दी है भाई। आज तुम्हारा 13वां चैप्टर स्टार्ट होना है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है भाई, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिखेंगे सूत्र जितने इसमें यूज होने हैं अब तक, सभी सूत्र ध्यान से तुम्हें देखने और बताने भी है जो तुम्हें याद होंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम चलते हैं स्क्वायर पे, यानी जो आपका होता है वर्ग। वर्ग की क्या कंडीशन रहती है बता दो। हाँ बेटा ऐसा करोगे, वर्ग की क्या कंडीशन होती है, वर्ग क्या होता है, जो ये भुजा होगी ये सभी भुजाएं क्या होंगी भैया, सपोज करो भैया हमारा ये ए है, ए भुजा है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भुजा, और ये भी ए, फिर ये भी क्या हो गया आपकी ए। बेटे क्लास देखते रहना बस आप, ठीक है, और उसके बाद ये भी क्या हो गया आपकी ए हो, ये भी ए होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ भैया क्या है, बता किसी को, भुजा की घात दो, क्या लिखो भैया, भुजा की घात दो, नोट कोई नहीं करना भैया, ठीक है, भुजा की घात दो। उसके बाद अगर लिखते हैं हम वर्ग का, वर्ग का परिमाप, क्या लिखे, वर्ग का परिमाप, अब परिमाप क्या होता, चारों ओर की जो भुजा होगी उनका योग। बेटा आज ध्यान समझ लेना, आज तुम्हारी समझ में जाओ, ठीक है ना, इधर बैठ जाओ तो भी अच्छा रहेगा, इधर बैठ जाओ, देख रहे हैं जैसा, अब यहाँ पर देखिए परिमाप क्या है भैया, ये क्या है भुजा ए, जो भी क्या है ए, जो भी क्या है ए, ये भी ए है, तो मतलब पहली ये वाली भुजा आपने जोड़ ली, उसके बाद कौन सी जोड़ोगे, इधर वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, अब तुम जोड़ के बताओ कितनी हो गई, चार, इसका मतलब चार ए, और ए क्या है आपकी भुजा, तो आपका परिमाप क्या होगा, चार या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं चार भुजा, ठीक है, या फिर चार ए भी लिख सकते हैं, ये भी आपका राइट होगा कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, चार ए। अब होता है वर्ग का बीकर्ण, बीकर्ण आपका होता है इस प्रकार से बोलते हैं बीकर्ण, ये क्या हो जाता है आपका बीकर्ण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट दो गुणा भुजा, ये तीन चीज तुम्हें याद रखनी होंगी, किसके लिए भैया, वर्ग के लिए, वर्ग, ठीक है, उसके बाद जो आता, उसके बाद आता आयत, क्या आता है आपका आयत, आयत इसे पढ़ते हैं, आयत में क्या होता है, आयत की कंडीशन भी बता सकता, यहाँ पर दिख रहा है, पहले बताओ यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका आयत का चित्र, कैसे करते हैं भैया इनकी, क्या हो गया ना दिख पा रहा, एक मिनट यहाँ पर देखिए, अब ठीक चल रहा भैया, अब यहाँ पर देखिए, जो आपका आयत होता है ना उसका क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा क्या होती है भैया, बराबर होती है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ये क्या है भैया आपकी लंबाई, तो ये भी क्या है आपकी लंबाई, अब भैया ये क्या है आपकी, और भैया ये भी क्या है आपकी, इतनी बात समझ में आ गई, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती, और वर्ग में सभी भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया आपने, भुजा की पावर टू, वर्ग का परिमाप क्या बताया भैया, सबको डायरेक्ट आपको याद करना है, चार है या फिर चार भुजा, या फिर अगर तुम्हें कुछ भूल जाते हो परिमाप भैया हम भूल गए, तो इन सबको जोड़ लो, अरे बात समझ में, अब करते क्या है, आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो भैया सबको याद है, ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप, आयत का, अब यहां पर देखें आयत का परिमाप, इसका मतलब सभी का योग, भाई शुरू में क्या आ रहा है आपका लंबाई, और उसमें क्या जोड़ दूं,
चौड़ाई, फिर अब इसको क्या जोड़ू लंबाई, और फिर क्या जोड़ दू आपको चौड़ाई। तो क्या होगा भैया, यानी दो लंबाई कितनी हो गई दो, यानी आपका हो गया भैया दो लंबाई हो गई, अभी देखो दो आपकी हो गई चौड़ाई। तो दो अगर कॉमन आ जाए तो दो लंबाई प्लस डायरेक्ट बेटा आपको किताब में ये लिखा हुआ मिलेगा, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। दिख रहा ना ये? हाँ भैया, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा, कहाँ तक दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा? हाँ। तो भैया आपका क्या होगा, इसका आयत का जो परिमाप होगा यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप क्या लिखोगे, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका होगा। उसके बाद कंडीशन क्या आती है आपकी घन की, क्या लिखोगे भैया घन, घन को भी जानते हो ना, घन आपका रहता है इस प्रकार। ये आपके घन की आकृति, ये ठीक है भैया। इसमें क्या होगा, प्रत्येक भुजा जो होगी आपकी, बेटा वहां पर रख दो आप, प्रत्येक भुजा क्या होगी आपकी ए होगी। ये भी क्या है भैया ए, और ये भी क्या होगी भैया आपकी, ठीक है। तो ये होता, अब करेंगे क्या, इसमें आपका लंबाई किसके बराबर होगी आपकी चौड़ाई के, और चौड़ाई किसके बराबर होगी आपकी ऊंचाई के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुल क्षेत्रफल लिखते हैं, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होता है, छ गुणा भुजा की पावर टू, ठीक है। क्योंकि कितने आपने देखा होगा कितनी साइड होती है इसकी, छ, लेकिन अगर भारी क्षेत्रफल देखा जाए, भारी क्षेत्रफल तो बाहर की तरफ से कितना देखेंगे हम, अगर साइड से नहीं तो भैया चार, तो चार भुजा की पावर दो, ठीक है। अब एक बात और बताओ, इसका आयतन और बता दो भैया, क्या लिखेंगे आप घन का, घन का आयतन तो बता सकता कोई भैया, घन का आयतन क्या होता है, ए की पावर थ्री, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, भुजा की पावर तीन, या फिर क्या लिख सकते हैं, भुजा की पावर तीन। इतना बात याद होगी आपको अच्छे से, ठीक है भैया। तो इसे अच्छे से नोट कर लो, पहले नोट कर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा ना सब। अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं घन का विकर्ण। अब लिखते क्या है, घन का विकर्ण विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट तीन गुणा भुजा, ठीक है भैया। उसके बाद जो आता आपका ये आता फिर नेक्स्ट, यहाँ पर देखने वाली आपको, चलो घनाभ क्या आता भैया, घनाभ। अब घनाभ क्या होता है, सेम जैसे ही होता है, ये है भैया आपका घनाभ, तो इसमें ऊपर वाले में अंदर क्या है, इसमें घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सभी भुजाएं क्या होंगी आपकी अलग अलग होगी। जैसे लंबाई को किससे डिनोट करते हैं हमने, एल से, चौड़ाई को भैया बी से, ठीक है, और ऊंचाई को कैसे डिनोट करते हैं हमने, एस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल क्षेत्रफल क्या होगा आपका, कुल क्षेत्रफल तो क्या लिखते हैं भैया, दो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपका हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, बाहरी क्षेत्रफल क्या होता है, बाहरी यानी बाहर का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, तो बाहर का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम, हाँ बेटा आ रहा हूँ अभी एक मिनट, क्या लिखते हैं, दो लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में भैया लगा देते हैं आप एच, ये हो जाता है आपका भारी क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसको और नोट कर लो भैया अच्छे से, भाई यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो,
जैसे आपका वर्ग है, वर्ग में सही बुझाई क्या होती है आपकी समान होती है, यानी सबको मैंने क्या मान लिया ए है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बुझाई पावर टू। उसके बाद होगा क्या वर्ग का परिमाप, परिमाप में सबको जोड़ना है तो कितने हो रहे आप चार, तो चार ए हो गया या चार विभाग वो चार गुना भुजा लिख सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होगा दो अंडर रूट गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब पहले आयत को समझ लो, आमने सामने भुजा बराबर, और भैया जैसे यहाँ पर लंबाई है तो ये आपकी लंबाई है, वो चौड़ाई है तो वो चौड़ाई है, उसके बाद लंबाई गुना चौड़ाई आपको क्या हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद आयत का परिमाप जो होगा लंबाई, पहले इसको जोड़े इसको जोड़ा और इसको जोड़ा इसको जोड़ा, अब यहाँ पर देखते हैं लंबाई कितनी हो रही है यहाँ पर दो और चौड़ाई भी कितनी हो रही है और दो यहाँ पर देखें दो आपका, अब यहाँ पर ऐसा मत कर लेना दो तो भैया हो जाएंगे चार यहाँ पर जुड़ने के नहीं, क्यों क्योंकि वो लंबाई है वो क्या है चौड़ाई, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में दो को क्या ले लेते हैं कॉमन, जब आप दो को कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला आपका आयत का परिमाप कौन था दो लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे में उसके बाद क्या था आपका घन, घन की क्या कंडीशन है ये सब भुजाएं क्या होंगी आपकी बराबर होंगी, यानी लंबाई किसके बराबर होगी चौड़ाई की, चौड़ाई किसके बराबर होगी ऊंचाई की, कुल क्षेत्रफल क्या होगा छह भुजा की पावर टू। उसके बाद भारी क्षेत्रफल क्या होगा चार भुजा की पावर टू। उसके बाद क्या होता है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात तीन भी बोल सकते हो और एक ही घात तीन भी बोल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा इस फॉर्मूले से। उसके बाद घन का विकर्ण क्या लिखा है मैंने भैया अंडर रूट तीन गुणा भुजा। उसके बाद आता है आपका घनाभ, घनाभ में और घन में क्या अंतर बताया ना, उसमें क्या होगा लंबाई लंबाई चौड़ाई को हमने एल वी एस से डिनोट कर रखा है, ठीक है ना, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, और भारी क्षेत्रफल क्या होगा आपका दो एल प्लस बी गुणा एच। अब बताओ इतनी बात समझ में आई आपकी या नहीं आई। अब यहां पर चलता घन का वो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो ये घनाभ का जो आयतन होता है वो आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। यहां पर देखिए भैया अगले फॉर्मूले क्या है, पहला क्या है आपका बेलन, बेलन बताना किस प्रकार का होता, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे पता था बेलन भैया फिर बेलन वही लगेगा आटा वाला और रोटी सेकने वाला बेलन आयो बट ये है जैसे जो तुम इधर फोल्ड करोगे इस प्रकार से तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ठीक है। तो भैया ये क्या वहाँ पे एक प्रकार से बिलत है, इधर भी और इधर भी क्या है बिलत है, लेकिन अब क्या है पूरा यो बेलन, और यो इसका क्या है इधर का परिधि जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जिसका ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा टू पाई आर एच, ऊंचाई भी दो होती ना तो ये एच हो गया, ये त्रिज्या आर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसमें क्या क्या आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना हो तो टू पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब तुम लोगों को ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो एक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है आपका टू पाई आर एच, ठीक है। अब उसमें मैंने भी आपको दिखाए थे कि भैया उसमें दो वृत्त भी तो बनने थे ना, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताते हैं हम पाई आर स्क्वायर, और भैया ये क्या था आपका टू पाई आर एच और ये क्या था आपका पाई आर स्क्वायर। अब सब कुछ जोड़ना जरा, तो आप जब सब कुछ जोड़ते हो तो टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जब आप इन्हें जोड़ते हो तो टू पाई आर एच और टू पाई ये कितने हो जाएंगे दो पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, और भैया इसमें से आपका टू पाई आर आ जाता कॉमन, जब तुम कॉमन निकालते हो यहाँ से बचता आपका क्या क्या बार एच और यहाँ दो आर थे, इस वजह से यहाँ पर बचता आपका एक आर। आ रही बात समझ में, अब बेलन का आयतन तो तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर एच, अब आती है खोखला बेलन, खोखला बेलन का क्या है आपका कुल क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला है टू पाई कैपिटल आर, मैं आपको बता दूं देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी जो अंदर तक की है, ठीक है, एक रहेगी यहाँ से बाहर तक की, ठीक है, मतलब उसमें क्या शामिल हो जाएगी ये मोटाई भी, ठीक है, मोटाई उसमें शामिल हो जाएगी, तो उसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, अब ऐसी क्या है आपकी आंतरिक स्मॉल आर, तो उसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा टू पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस एच, ये ऊंचाई कितनी होगी भैया आपकी एच होगी ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी भैया एच,
प्लस आर माइनस स्मॉल आर। उसके बाद वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, टू पाई एच आर प्लस आर, या फिर टू पाई एच ऐसे ना लिखकर टू पाई आर स्मॉल आर और भैया एच भी लगा सकते हो, ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर क्या देखते हैं आप शंकु, शंकु में बताया था कल भी आपको क्या कि ये क्या आपकी त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है, और ये क्या है बीच वाली ऊंचाई, उसके बाद ये क्या होती है आपकी त्रिज्या। तो जब भी हम एल का मान निकालते हैं कौन सी पिन में लगाते हैं आप, पाइथागोरस पिन में, पाइथागोरस पिन में से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। भैया कर्ण है, कर्ण की जगह क्या है आपका त्रिज्या ऊंचाई है एल, और भैया यहाँ पर अंडर रूट आधार क्या है आपका आर, और भैया ऊंचाई क्या है आपकी एच। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप कहोगे भैया देखो मतलब होगा क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल में को ये क्या है आपका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें ऐड कर देते हैं। जब आप ऐड करते हो तो इसमें एक चीज आपकी कॉमन आती है पाई और आर। जब आप पाई आर कॉमन निकालते हैं यहाँ से क्या बच जाता है आपका एल, और यहाँ से क्या बच रहा है आपका आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या था शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है आपका एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आता है आपका गोला, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर, और आयतन क्या होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब बटे क्यूब, आपने कल भी स्क्वायर बोल दिया था, ठीक है, ये क्या है क्यूब, अच्छे से नोट करो। अब यहाँ पर देखिए भैया गोले तक आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, अब आते हैं ठोस गोला, बेटा उसको बंद कर दिया हूँ, ठोस गोला इस प्रकार। अब इसको बताओ भैया क्या लिखवाया था आपने, अर्धगोला, क्या है आपका ये अर्धगोला, तो अब लिखते हैं यहाँ पर पहले अर्धगोला, ये आपका अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोलो या फिर क्या बोलो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता भैया, तो तुम कहोगे पूरे गोले का क्या था बेटा, बहुत सुंदर, पूरे गोले का क्या था आपका फोर पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध गोले का क्या हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या है गोले का और कुछ लिखवाया था आयतन, और लिखवाया था क्या लिखवाया था आयतन, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आयतन, क्या लिखोगे अर्ध गोले का आयतन, आयतन क्या होगा भैया दो बट वो चार बटे तीन था ना पूरे गोले का, और अर्ध गोले का क्या हो जाएगा दो बटे तीन पाई आर क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका क्या वृत्त, वृत्त अच्छा अच्छा तुम में कोई ऐसा है जो बता सके भैया वृत्त में और गोले में क्या अंतर है, वृत्त को हम उठा नहीं सकते, उठा मतलब कैसे, मतलब सर ने बताया है कि वृत्त समतल स्थल पर बना होता है उसे उठा नहीं सकते, हाथों में नहीं ले सकते, अच्छा, और गोले को हाथों में ले सकते हैं, हां वेद में बताना गोला, गोला तो बताइए गेंद उन खेल दो ना वही, दूसरी बात ये है भैया वो 2D से बनता है, 2 डायमेंशन का होता मतलब ये आपका 3D का होता, 3D यानी इस प्रकार से बनता है गोला आपका, यहां पर x y और z इस प्रकार, ठीक है ना। और वृत्त जो होता है आपका वृत्त बनता है 2D से, 2D आपका होता है x और y से, और यहाँ से ऐसे बनता है ऐसे, यहाँ का बाहर निकल गया इस प्रकार से, या फिर समतल दर्पण पर एक बह बिंदु, मतलब जब कोई समतल बिंदु पर या जब समतल दर्पण जब कोई बिंदु इस प्रकार से गति करता है कि वो एक बिंदु से समान दूरी पर हो, मतलब वही उसी क्या होता है केंद्र, मतलब जितना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए भैया 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए आपका 2 सेंटीमीटर, बल्कि ऐसा इसमें नहीं होता गोले में, ठीक है ना। तो आ रही बात समझ में, तो वृत्त अब आता है वृत्त, तो मुझे बता दो भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, क्या बताया था वृत्त का, वृत्त का भैया क्षेत्रफल क्या लिखवाओगे पाई आर स्क्वायर। उसके बाद भैया वृत्त की परिधि लिखवाई होगी आपको क्या लिखवाई थी टू पाई आर। उसके बाद और भी कुछ लिखवाया था, अब यहाँ पर देखिए अब चलते हैं भैया अर्धवृत्त पर, क्या चलते हैं अर्धवृत्त पर,
अर्धव्रत बताओ, अर्धव्रत का क्षेत्रफल, अर्धव्रत का, अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? अर्धव्रत का जब पूरे का आपका पाई आर स्क्वायर है तो अर्धव्रत का क्या होगा? 1/2, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बना भी सकता हूँ, ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है और ये आपका क्या भैया? अर्ध। यहाँ पर दिख रहा, पहले चेक करो, ना दिख रहा? दिख रहा, दिख रहा, तो ये आपको हो जाता है अर्ध, ठीक है भैया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद करते हैं हम अर्धव्रत की परिधि, अर्धव्रत की परिधि। अब अर्धव्रत की परिधि बेटे क्या होगी बताओ? पहले पूरे व्रत की परिधि क्या थी आपकी? 2πr। तो अर्धव्रत की परिधि क्या होगी भैया? 2πr/2। अब 2 से 2 आप काट देते हो तो क्या आपका आंसर आता है? पाई, ये आपका आ जाता है। नोट कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला छूट गया भैया, ये है जैसे अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोले का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा भैया? उसमें एक तो आपका ये क्षेत्रफल जुड़ेगा जो कि क्या है? 2πr² प्लस ऊपर क्या है आपका? वृत्त है, तो वृत्त के लिए क्या आता है आपका? पाई आर स्क्वायर। नहीं लेते ना, जोड़ना 2 और भैया ये कितना आपका? 1πr² कितने होंगे आपके? 3πr² ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद अगर भैया आपका आता खोखला गोला, खोखला गोला जब आता आपका, खोखला गोला, तो खोखला गोला आपका इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, ये मान लीजिए कितनी है आपकी स्मॉल आर और यहाँ से बाहर तक कितनी है आपकी? कैपिटल आर। तो भैया इसका आयतन लिखवा देता हूँ मैं आपके, आयतन खोखले गोले का आयतन, ठीक है। तो जो आपको होगा बड़े वाले का आयतन क्या लिखते हैं? 4/3πr² में से, नहीं क्यूब होता ना, 4/3πr³, ठीक है ना, इसको आप घटा सकते हैं तो इससे आपका इसका खोखले गोले का आयतन निकल जाता। उसके बाद आता आपका जो लास्ट है वो आता आपका छिन्नक, छिन्नक जो कि आपने शंकु पढ़ा होगा उसको ही काट कर आपका क्या बनाया जाता है? छिन्नक। इस प्रकार से होता है आपका शंकु। शंकु तो पता होगा ना, ये आपका क्या है? आर माना लेते हैं। और छिन्नक क्या होगा? होता आपका इतना कटा हुआ, तो आप इतना हिस्सा आप इसका काट देते हो तो ये किस रूप में हो गया भैया आपका? छिन्नक के रूप में हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम डॉट 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 करें तो ये किसकी वैल्यू होती है? एच टी, और ये आपकी एल, और ये आर वन, और ये आर, इस प्रकार से छिन्नक हो जाता है। अब करते क्या है? पहला आता आपका छिन्नक का आयतन, छिन्नक का यहाँ पर लिखते हैं छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन क्या होता? अच्छा मुझे ये बताओ शंकु का आयतन क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? पाई, वो 1/3πr²h। तो r की हम जगह छोड़ देते हैं और h यहाँ पर लिख लेते हैं। तो छिन्नक के लिए क्या होता है? 1/3π और भैया r₁² + r₂² + r₁ × r₂ × h, ये आपका रहता है छिन्नक का आयतन। अब आता है छिन्नक का वक्रपृष्ठ या फिर क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने लिखा था पाई आर एल लिखा था ना, तो यहाँ पर आर की जगह छोड़कर क्या लिख दोगे? r₁ + r₂ और यहाँ पर एल। इतनी आगे बात समझ में भैया? उसके बाद छिन्नक का आयतन हो गया, छिन्नक का, अच्छा हाँ बेटे नोट कर लो आप।
अब यहाँ पर देखिए भैया, अब होता क्या है, ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल भैया, पृष्ठ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका एक एग्जाम ने ये पूछ ले भैया कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या बन सकता है आपका छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। अच्छा कौन है जो बता सकता है भैया ऐसा हो सकता, बताओ। तो तुम क्या कहोगे भैया, पृष्ठ क्षेत्रफल में आप क्या जोड़ोगे, R1 + R2, ये तो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है ही, ठीक है। उसके बाद ये भी क्या है आपका एक वृत्त है, और ये भी नीचे वाला भी क्या है आपका वृत्त है, इसका क्षेत्रफल और जोड़ दो। हाँ लेकिन आप तो लिखने में लगे होंगे, ठीक है ना, तो ध्यान पे देना नहीं है, जहाँ पर देख लो ये पहले, तो क्या लिखते हो, π R1 + π R2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद करते क्या है, यहाँ पर जो टोटल आप लिख रहे हो कुल π R1 + R2 × L + π, यहाँ से कॉमन आता है, और R1 वर्ग + R2 का स्क्वायर, यानी इस प्रकार से भैया ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके लास्ट यानी कंप्लीट। इनको अब अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं पहला। हाँ भाई बेटा, कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट होने वाली है आपकी, यहाँ पर देखो साफ दिख रहा ना क्लास में, यानी 13.1। अब बेटा जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान समझना, ये ऐसे क्वेश्चन आगा और हो सके भैया ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिले। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसके इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अब तुम्हें ध्यान से देखना भैया, नितिन ध्यान से बेटे यहाँ पर देखो। बेटा मैंने आपको बताया घन किसे कहते हैं, अच्छा कोई बता सके भैया घन किसे कहते हैं, बॉयज में तो बताओ घन किसे कहते हैं, विनीत कुछ कोशिश कर रहे हैं, हाँ विनीत बताओ भैया, घन है हाँ, तो बेटा उसे कील ये ठोक दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था भैया घन होता है इस प्रकार से, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो भैया, समान, ठीक है ना। तो घन पे क्या क्या कह रही नेहा, देखो यहाँ पर मैंने बताई थी घन होता है इस प्रकार से, और दो घन दे रखे ना, ये आपके दो घन है, मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये भी ए है तो ये भी क्या होगा भैया आपका ए है, और ये भी क्या होगा ए, इसी प्रकार से ये भी ए, बताया था ना इस प्रकार से, इन दोनों को जोड़कर भैया इन्होंने क्या बना दिया, एक घना बना दिया, क्या बना दिया, एक घना, और भैया मैंने आपको घना भी बता रखा है, बताया ना जब फॉर्मूले पढ़ाए थे कि घनाभ में घन में क्या अंतर होता, कुछ नहीं पता था गंदे बच्चे ये भैया घनाभ है, ठीक है ना। घनाभ में क्या होता है भाई, लंबाई आपकी अलग होगी, और मतलब लंबाई आपकी जैसे एल है वो वी है चौड़ाई, और ये मतलब ऊंचाई क्या होगी आपकी एच, ये सब अलग अलग होती है, लेकिन ये सब क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। अब एक प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हो भैया, बेटा ये है, हालांकि ये थोड़ी अलग है लेकिन मैंने काट ली, इसे इस प्रकार समझो, ये मान लो ये समान है, सब लंबाई चौड़ाई सब समान है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये दो घन है, जब ये घन यहाँ पर है इस प्रकार से, और ये आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। अब करते क्या है, जब आप इनको जोड़ोगे तो बताओ, अच्छा कुछ दे भी रखा भैया, आयतन दे रखा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ चेंज होगा क्या। अच्छा आयतन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, अच्छा घन का आयतन क्या है भैया आपका 64, क्या दे रखा है 64 cm³। अब बेटा ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 64 cm³ है। अच्छा घन का मैंने कल अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको बताया था घन का क्षेत्रफल क्या होता, तो आपको भुजाई का 3 या फिर ए की घात 3, बताया था ना ए की घात 3 याद करा था आपने, 64। अच्छा अब मुझे ये बता दो 64 किसका घन होता, वे बताएंगे विचित्र, हाँ भैया 32 बता रहे, 4 का भैया किसका होता भैया, 4 का घन होता, ठीक है ना।
उसके बाद ए बराबर, अब देखो घात तीन से घात तीन आपकी हट जाती है, ए बराबर आपका क्या रहता है 4 सेंटीमीटर। अब ए मतलब 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये सब कितनी होंगी आपकी, ये 4 सेंटीमीटर होंगी, ये भी क्या होगी भैया आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4। अब देखो अब ये ही आपको समझने की बात है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। उसने क्या कहा है कि दो घन को जोड़कर, प्रिंस भैया कहाँ देख रहे हो, दो घन जोड़कर एक क्या बनाया आपका, घना बनाया, उसमें अंतर किस किस चीज में अंतर आगा, यहाँ पर आपको अब ध्यान से समझना है। अब देखो ये है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है भैया 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है भैया 4 सेंटीमीटर। अब मैंने इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया, अब मुझे ये बताओ कौन सी चीज इसमें बदल गई, बता सकता कोई, नहीं घनाव तो बन गया, इसमें कुछ कोई सी चीज बढ़ गई होगी, तो तुम कहोगे भैया इसमें देखो अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, क्या ऊंचाई वही रहेगी, यहाँ पर देखो ऊंचाई मान ली अब 4 है और इसकी भी 4 है, अब जुड़ गई ऊंचाई यही है, जितनी इधर है इतनी इधर है, इसका मतलब ऊंचाई तो नहीं बदली, तो ऊंचाई कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, अगर मैं बात करूं चौड़ाई की, जितना चौड़ा यहाँ है इतना चौड़ा आपका इधर है, तो इसका मतलब ऊंचाई का वो चौड़ाई का बदली है आपकी भाई इसके जोड़, ये देखो यहाँ हमने जोड़ा इस प्रकार से, ये जोड़ दिया, तो जितना चौड़ा इधर है इतना चौड़ा अब भी इधर है ना, इधर चौड़ा हो गया नहीं होया, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। कुछ तो भैया गर्दन ऐसे ही रहा है दोनों चीज पे, बड़ा हाँ घटा नहीं, हाँ ऐसे चल गया मामला। अच्छा अब आते लंबाई, हाँ भाई अब देखो ये था 4 सेंटीमीटर ये, और ये भी था 4 सेंटीमीटर, जब ये आपस में ऐसे मिले बढ़े या घटे, तो कितने हो गए भैया ये, अब बताओ समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब भैया ये कितनी हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है आपकी, इसका मतलब क्या चीज बढ़ गई भैया आपकी, लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, अब यह बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, इतनी बात समझ में आई भैया आपकी। उसके बाद अब उसने पूछा क्या है, क्या पूछा क्वेश्चन में, अब यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। अब भैया जब तक आपको क्वेश्चन तभी होगा जब आपका सूत्र याद होगा, ठीक है भैया, तो इसी बात पे भैया अभी सूत्र बता दो, घनाभ का क्षेत्र का क्या है, क्या है आपका 2LVVH+HL। अब भैया कहोगे भैया ये क्या लिख दिया भैया, भैया यही है देखो ऊंचाई क्या बोलते हैं हाइट, और इसको आप बी बोल लोगे और इसको एल बोल लोगे, ठीक है भैया। अच्छा दो एल कितना आपका जो बढ़िया 8 है, और बी आपका कितना 4 प्लस, ये भी कितना आपका 4 और 4 प्लस 4 और एल कितना भैया आपका 8, ठीक है 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, और ये कितने हो गए आपके बताओ तो कितना हो गया आपका 32 64 64, 16 कितने हो गए भैया आपके 80, और भैया ये आपके हो गए आपके 80 और 80 × 160, बेटा आंसर चेक करो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। सवाल समझ में आया भैया, नोट कर लो। अच्छा जल्दी पढ़ो, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है, अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक बर्तन है वो किस प्रकार का है, नीचे है भैया अर्ध गोला, इस प्रकार कटोरी तो देखी होगी, कटोरी के प्रकार का। अब उसने क्या करा, इसके ऊपर एक देख लीजिएगा इस प्रकार से इन्हें बेलन बना रखा होगा, यहाँ पर अर्ध गोले के ऊपर बेलन इन्हें बना रखा है इस प्रकार, ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम, उसने कुछ दे रखा वो लोग का क्या क्या दे रखा, व्यास देखो इसने क्या दे रखा, अर्ध गोले का व्यास दे रखा होगा, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी उन्हें कितनी दे रखी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर कितनी दे रखी भैया
14 सेंटीमीटर। अब एक बात बता दो भैया, अगर व्यास 14 है तो भैया नितिन आप बता दो इस जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोला है ना, अर्धगोला उसकी त्रिज्या क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब नितिन को बुखार आ रहा था उस दिन। अच्छा यहाँ पर देख लो, सबसे पहले लिखते हैं अर्ध गोले का व्यास। क्या दे रखा भैया आपको? व्यास। अर्ध गोले का व्यास कितना दे रखा भैया आपको? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी भैया? 14/2। मतलब आधी होती ना, तो आर बराबर कितना हो गया भैया आपका? 7 सेंटीमीटर। अब जितना आपका ये 7 है इतनी त्रिज्या ऊपर भी तो होगी ना, तो भैया ये भी कितनी होगी आपकी? 7 सेंटीमीटर। मतलब अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 होगी। ये बर्तन अर्धगोले के ऊपर तो बनाया गया है, तो जो बेलन है उसकी त्रिज्या भी क्या होगी आपकी? 7 सेंटीमीटर। और बर्तन की क्या दे रखी है? और ऊंचाई दे रखी। अब एक बात बताओ, जब हम ऐसे त्रिज्या खींचते हैं तो ऐसे तो बनाते हैं ना, ठीक है? इसका मतलब ये 7 है, तो फिर नीचे को भी कितनी होनी चाहिए आपकी? 7। तो इसका मतलब भैया जी ये भी आपकी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जब ये 7 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है आपको? 13। अब देखो ध्यान देखना, यहाँ से यहाँ तक भैया आपको 13 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो भैया विचित्र बताएंगे, केवल बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, मतलब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। देखो कितने सुंदर आंसर मिल रहे हैं। अच्छा 7 सेंटीमीटर। आदित्य 7। हाँ 6। भैया देखो यहाँ है, अब ध्यान से समझो, एक लड़का है 7 मीटर को जी मान लो 7 मीटर का है सेंटीमीटर का, और एक लड़का है 13 का, तो वो लड़का उससे कितना मीटर बड़ा है? ये तो साथ ही बताओ जा रहे हैं हर बार, ठीक है ना? तो पता चलिए भैया, कैसे पता चला आपको? घटाकर पता चला ना, तो ये आपका है 6 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं, पहले अर्धगोले का क्या निकालना? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना ना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो और भैया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, और उन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर लो? जोड़ लो। आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले अर्धगोले चलते हैं, तो यहाँ पर लिखे अर्धगोले का व्यास तो त्रिज्या मिल गई अर्धगोले की, उसके बाद अर्धगोले का, अब ये फॉर्मूले आपको बताने होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बता दो भैया, कुछ टाइम पहले ही लिखवाया था कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता? बेटा गलत सा लग रहा, और कोई ना लिखवाया बेटे? क्षेत्रफल ना लिखवाया? क्षेत्रफल बताओ ना, 2πr² ये बता रहे, यही है। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये है भैया 2, पाई का मान क्या है आपका? 22/7। आर का मान कितना है भैया आपका? 7×7, इससे ये कट गया आपका, 22×44×7, 7×28, 7×28, 28×2 कितने हो गए आपके? 30 सेंटीमीटर² ये किसका क्षेत्रफल आपका आ गया? अर्धगोले का। अब किसका निकालना आपका? बेलन का। तो यहाँ पर लिख लेते बेलन के लिए, बेलन का, बेलन की त्रिज्या लिखो, बेलन की त्रिज्या। अच्छा बता सकता है बेलन की त्रिज्या कौन? कौन बता सकता? 7 सेंटीमीटर। क्यों? जितनी यहाँ पर है इतनी यहाँ पर है, तो 7 सेंटीमीटर आपकी बेलन की त्रिज्या हो जाती है। अच्छा बेलन की ऊंचाई बताओ आप, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब भैया कोई 13 मत लिख देना, ठीक है गोलू? भाई 6 सेंटीमीटर कैसा है बोर्ड पर जो लिख दिया ऐसे? चलो ठीक है, ऊंचाई है आपकी 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ भाई क्या है आपका? क्या है? 2πr h। अच्छा
दो पाई का मान क्या है भैया आपका? सात। आर का मान कितना? सात। और ऊंचाई कितनी आपकी भैया? छह। सात से सात कट जाता है, कितना जाता है? चौवालीस गुणा छह, छह चौक चौबीस, हाँ सिर्फ दो छह चौबीस दो छब्बीस, दो सौ चौसठ। अब आपको बताना है बर्तन का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है? तो बर्तन तो दोनों से मिलकर बनाना, तो यहाँ पर लिखते हैं बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ये कितना है भैया आपका? 308 है, 308। और प्लस ये कितना भैया आपका? 264। जोड़ो भैया, चेक करो आंसर। जी ये अगर भैया समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। अच्छा हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ गए? तो भैया आपको तीसरा क्वेश्चन जैसे ही है करके लाना है। सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और भैया जो आपके ये फॉर्मूले जिन्होंने नहीं लिखे वो आज की क्लास से देख लेना, ठीक है ना? तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, जय हिंद, जय भारत।